नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सेल या परचेज करते टाइम पार्टी का टिन नंबर या जीएसटीएन नंबर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। आपको सप्लीमेंट्री डिटेल्स के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप टैली के अंदर बिल मेंटेन नहीं करते हैं, बिल से मेरा मतलब है कि आप टैली के जरिए पार्टीज को, कस्टमर्स को बिल नहीं बना करके देते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री डिटेल्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सबसे पहले सप्लीमेंट्री डिटेल्स को नो करेंगे, सबसे आप F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करके इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को नो कर दीजिए, मैंने नो ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इससे बाहर आइए। अब आप जैसे ही पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ ABCD पार्टी का नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी GSTN नंबर है या टिन नंबर है वो यहाँ आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ आपको GSTN नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ABCD GSTN में रजिस्टर्ड है और उसका ये GSTN नंबर है। टिन नंबर मैंने नहीं डाल रखा है या टिन नंबर में ये रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये चीज़ें अब इसके मास्टर अकाउंट में भी जाके देख सकते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ GST के अंदर जा करके आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये रेगुलर है और इसका GSTN नंबर यही है जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा था। इससे बाहर आ जाएंगे। अब एक बार और देखेंगे। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं डीप कॉर्पोरेशन हमने सेलेक्ट किया, तो इसका GSTN नंबर नहीं आ रहा है, ना इसका टिन नंबर आ रहा है। इसका मतलब इसका दोनों ही नंबर नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। लेकिन ये हम करेंगे कैसे, उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे और उसमें आपको जो कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कोड आपको एज इट इज स्क्रीन नोटपैड की फाइल में पेस्ट करना है। अब ये कोड आपको मिलेगा कहाँ, ये कोड आपको मेरे ब्लॉग पेज के लिंक पर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। वहाँ जाइए और वहाँ से इस कोड को पेस्ट कॉपी कीजिए और नोटपैड की फाइल में पेस्ट कीजिए। मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया है। आपको पेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे पेस्ट बटन दिया हुआ है, पेस्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो ये फाइल आपने बनाई है इसको सेव करना है। फाइल में जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहें उस लोकेशन पे सेव करेंगे। आपको उस लोकेशन को ध्यान रखना है जिस भी लोकेशन पे आप सेव करें, और txt.txt फॉर्मेट में आपको इसे सेव करना है। अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं तो .txt यहाँ आप लिखेंगे और उसके बाद सेव बटन क्लिक करेंगे, जिससे फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको टैली खोलनी है। टैली खोलने के बाद आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ आपको देखेगा प्रोडक्ट एंड फीचर्स। आपको प्रोडक्ट एंड फीचर्स पर क्लिक करके इस स्क्रीन पर आना है। यहाँ आपको वापस F4 प्रेस करना है। यहाँ आप राइट हैंड साइड पर भी देख सकते हैं, मैंने लोकल TDL के नाम से F4 लिखा हुआ है, इसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद लोड TDL फाइल्स ऑन स्टार्टअप, इसको यस ही रहने देना है। एंटर प्रेस करना है। उसके बाद उस फाइल का पाथ जहां आपने फाइल सेव करी है और फाइल का नाम और उसके एक्सटेंशन, ये भी आपको उसका मेंशन करना पड़ेगा। मैंने जो फाइल सेव करी है उसका एक्सटेंशन मैं यहां लिख देता हूं, उसका पूरा पाथ यहां लिख देता हूं। आप हाथ से लिख सकते हैं और आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। टैली के अंदर जो कॉपी पेस्ट होगा वो Ctrl+Alt+V बटन प्रेस करके पेस्ट होगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इससे बाहर आना है। अब आप सेल की एंट्री में देख सकते हैं, आपके पास ये दो फील्ड बन करके आएंगी, रेफरेंस नंबर के नीचे पार्टी टिन नंबर और पार्टी GSTN नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।